अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मटन शामी। मटन शामी बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम्स बोनलेस मटन, ये 1 टीस्पून नमक लिया है हमने, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये हमने 4 काजू 4 बादाम लिया है, इससे फ्लेवर अच्छा होगा शामी का, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये 3 टेबलस्पून चने की दाल है, ये 1 बंच पुदीना है, ये 1 बंच कोथमीर है, ये 3 से 4 हमने हरी मिर्च ली है। चलिए बनाते हैं मटन शामी। प्रेशर कुकर में मटन डाल दिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, ये हमारे काजू बादाम, कोथमीर पुदीना और हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 ग्लास पानी। अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। देखिए अब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, अब हम इसे 5 से 10 मिनट्स ठंडा होने के लिए रखेंगे। हम इसे मिक्सी में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये हमने मिक्सी में इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसके शामी बनाएंगे। अब हम डायमंड शेप के शामी बनाएंगे। सारे हम ऐसे ही डायमंड शेप में बनाएंगे। अब रेडी हो गए शामी फ्राई करने के लिए। अब एक फ्राई पैन लेके, फ्राई पैन में हमने 2 टीस्पून ऑयल डाला है, इसमें हमारे शामी डालेंगे। अब ये दो साइड से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। मटन शामी बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।